अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा दोस्तों, भाई मेरे, ये भाई तो नहीं भांजे हैं मेरे, माशाल्लाह जवान हो गए, छोटे छोटे बच्चे थे, इनको कल मैंने थोड़ी सी ना बता रहा था कि आप अपनी चीजों को, अपने एनवायरनमेंट को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, घरेलू चीजों को कैसे अपनी जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही इफेक्टिव चीजें। सबसे पहले इनको मैंने बताया था ये घास है, अब आपकी तरफ फोकस, ये घास है दुब घास, इंडिया में इसे पूजा की थाली में सजाया जाता था, तो इस पे रिसर्च की तो इसको मैंने ऑर्गेनिक यूज के फर्टिलाइजर और ये क्या उसमें इस्तेमाल के वीडियो बनाई हुई है वो, और लेकिन इसको तिब्बी हवाले से भी, ये इस तरह ग्रोथ प्रमोटर भी है या बूस्टर भी है, लेकिन इसकी पहचान ये है, ये देखें इस घास की जड़ इधर और ये लंबी हो जाती है, ठीक है ना, ये खास घास है, ठीक है, हर जगह मिल जाती है, खास इसलिए कि इसकी हिफाजत बहुत है। दूसरे नंबर पे आ जाओ, इसको आप तेल बना सकते हैं, ठीक है, इसको क्रश करके अच्छे तरीके से सरसों के तेल में पकाएं, बालों के लिए भी, तकलीफों के लिए, दूसरे हवाले से। दूसरा, इसको आप रगड़ के जूसर में पानी डाल के आप इसको इस्तेमाल करें ग्रोथ प्रमोटर और बूस्टर के हवाले से भी। ये सिर के बालों से लेकर पांव तक और ये यहां तक क्या कोई पैदाशी ना भी ना मसलसल इसका इस्तेमाल करें तो उसको भी ठीक कर दे। अगला पौधा ये देखे, कौन सा देखे, ये इट सेट है, ठीक है ना, इट सेट, असल में पाकिस्तान में इसको इट सेट बिस्खपरे के नाम, दो तीन वैरायटी, एक ये बोतल इट सेट है, एक बिस्खपरा है, बिस्खपरा जो थी वो भी ऐसे ही होता है, लाल ही उसकी टहनियां होती हैं और वो लाल टहनियां और उनकी जड़ का पानी निकाल के जो काला मोतिया होता है ना उसको अगर अच्छी तरह का जड़ों को कूट के तो मलमल के कपड़े से छोड़ा जाए प्रॉपर में वो भरे काले मोतिया का भी उससे इलाज हो जाता है, ठीक है ना। और ये जो है इसी की किस्म का एक और होता है, बिल्कुल यही चीज होती है, लेकिन इधर देखिए मैं आपको शनाख्त बता दूं, ये देखिए जो जिस बूटी की मैं बात कर रहा हूँ वो गुर्दों के लिए इंतहाई फायदेमंद है, जिसे कहते हैं पुनर्नवा, पाकिस्तान में कम लोग लेकिन अब जानने लगे, पुनर्नवा की ये टहनी जो ना ग्रीन कलर की होगी, सेम यही चित्र है, उसके पत्ते भी यही और ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये एक ही फैमिली से, पुनर्नवा भी, इट सेट भी और बिस्खपरा एक ही फैमिली से, और ये तीनों ही गुर्दों के लिए इंतहाई मुफीद होती है, इसका पानी और इसकी चटनी, और इसको भी अगर आप सालन में डाल के पका के खाएं तो बहुत ज्यादा इसमें तवानाई एनर्जी और सारा कुछ है। अगले आगे आ जाए, ये देखें, कल मैंने बताया था आपको ये पुटकंडा, इसके यहाँ पे बीज होते थे, ये बीज उतर गए, बीज इसके अमूमन लोग यूं लगते हैं ना इसके इस उल्टे लगे होते हैं, इसलिए पुटकंडा, इसकी जो जड़ बिच्छू काट जाए घर के अंदर फौरी तौर पर जड़ उसका ले हल्का सा उस जगह पे कर दो जहाँ बिच्छू काटा, तो वेट रिड्यूस करना है तो इसके पांच पत्ते डेली इस्तेमाल करें, अगर नींद नहीं आती तो भी इसके पत्तों को सुखा के इस्तेमाल करें, और जो इसका बीज है ये मिर्गी वगैरह के लिए भी बेहतरीन है, इसके बीज की खीर बना के इस्तेमाल करें। अच्छा अब आ जाए, ये साथ ही लगा हुआ, हर चीज के फायदे हैं, अगर बताने पे आए तो शाम हो जाए, लेकिन कुछ सिलेक्टिव चीजें, ये क्या है जी, इसको क्या कहते हैं, पीपल जी, इसको पीपल कहते हैं, जो बुद्धिस्ट है ना गंधारा आर्ट जो, और गंधारा यूनिवर्सिटी जो अशोका दी ग्रेट जिसने जंगल में जाके वो समझे कि दुनियादारी छोड़ के और वहां पे जोत काटा, तो कहा जाता है कि वो पीपल के दरख्त के नीचे थे जब उन्हें वजदान मिला, और जो वजदान देने वाली हस्ती है ये मेरा, इससे आप इख्तलाफ ना कीजिएगा, हजरत अली करमल्ला वजह ने उनको आके वजदान अता फरमाया। पीपल के इतने फायदे हैं, इसमें तभी फौरी तौर पर आपको एक बताता हूँ, सर्दियां आ रही है जिसको लंग्स इन्फेक्शन हो, लंग्स का कोई मसला हो, वो इसके तीन चार कहवे पत्ते तोड़ के उसका कहवा बना के पिए, इसी तरह कोरोना का या फेफड़ों का कोई और मसला है उसके अंदर कोरोना के हवाले से भी अगर प्रॉब्लम है, लंग्स इन्फेक्शन नहीं सही हो रहा तो उसमें चार पांच लौंग और चार पांच पीपल के पत्ते डाल के उसका कहवा दो टाइम पिए, इंशाल्लाह उसे भी सही हो रहा है। फिर इसका ये एक और इसके पीपल का जो पीपल के तो काफी ज्यादा फायदे हैं, हाँ गुर्दा, गुर्दे अगर डायलिसिस की तरफ आप जा रहे हैं तो आपने इसके पांच पत्ते और एक थोड़ी सी अंश थोड़ा सा नीम के पत्तों का उसका कहवा इस्तेमाल करें, ये वो चीजें बता रहा हूँ जो आपके घर में इजिली अवेलेबल है। आज क्योंकि कपड़े मेरे वॉश हो रहे थे तो हमारी जो कपड़े धो रही है बहन वो हमारे गाँव वाले, वो उनके वालिद साहब को भी ये लंग्स का मसला है, उनको मैं उनको भी ये रिकमेंड करूंगा कि वो इसका इस्तेमाल करें, और बहुत जबरदस्त, और कोशिश करें दरख्त पे जो पीपल वो इस्तेमाल करें जिसकी जड़े मिट्टी में ना हो, जैसा ये इसलिए मैं इसे काट नहीं रहा हूँ, जल्दी जल्दी इधर आ जाए, एलोवेरा रुमाल के अंदर रैबिस के जरासीम को खत्म करता है, यानी कि पागल कुत्ते को, ठीक है, अब जरूरी नहीं है ये, तो एक इसका फायदा बताया, तो इसके फायदे भी बेताज है, एंटी पॉइजन है और आपके जिस्म में आप जोड़ों के दर्द से लेके बालों हर चीज के फायदेमंद है। घर में जब भी कोई चटनी बनाए, घर में जब भी ऑमलेट बनाए तो इसके दो चम्मच इस्तेमाल करें, अगर आप डेली, अगर जो ओल्ड एज हमारे हो जाते हैं हमारी एज में उनको तो ये सुबह शाम इसका 15 दिन इस्तेमाल करें, दो दो चम्मच इसका वैसे ही निकाल के मुंह में खा लें तो ज्वाइंट्स प्रॉब्लम उनको बिल्कुल नहीं होगी, जोड़ों में जो किसी तरह के मसले मसाइल वो सही हो जाएंगे, और नॉर्मली इसको आप वैसे अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करेंगे ना चटनी वगैरह में या ऑमलेट में तो आप एंटी कैंसर यानी कि कैंसर से भी महफूज रहेंगे, रीब आदि हर तरह के जिस्म को खत्म करके। अच्छा दूसरी तरफ आज अमरूद लगा हुआ है तो अमरूद के दो पत्ते भी बहुत फायदेमंद है और ये जो से आपके स्टमक प्रॉब्लम के, इसी तरह जैसे ये मेरे अनार लगा हुआ है, ये अनार इधर खाए ना जी, अनार अनार के फल का तो अपना फायदा है ही बेटा, इधर सुन लो, इसके फल खा के जो इसके आप बीज होते हैं ना, जो बीज, अच्छा बीज, एक जब से भी अनार खाए ना, अनार खाए, केला खाए, ऑरेंज खाए,
तो आप देखिएगा क्या, इधर सुनो बेटे, इधर सुनो, तो उसके दरमियान में जो छिलका होता है ना उसमें गजाइयत अनार से भी ज्यादा होती है। इसी तरीके से केले के दरमियान में व्हाइट व्हाइट से छिलके ऑरेंज, वो उन्हें आप ना किया करें। दूसरी ये अनार के छिलके वो मैंने धूप में सुखाए हुए, अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो ना हो कोई बात नहीं, आपके कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो ना हो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप कावा बना के पीते ना जैसे आप लेमन ग्रास का, तो इसमें थोड़ा सा एक आधा छिलका उसका डाल दिया करें अनार के सूखे हुए का, ठीक है, और उससे आपका कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम आपके सॉल्व रहेंगे। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी चीजें जो आपके एनवायरमेंट में आपको मिले, अगर आपको कोई ऐसे पौधे लगे हुए, रवायती पौधों की बात कर रहा हूँ, आजकल कुछ ऐसे दरख्त आ गए हैं जो ऑक्सीजन ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड और उनके फायदे भी नहीं, लेकिन जो रवायती दरख्त है पीपल सिरस की किक्कर इन सब के बेतहाशा फायदे, कुछ पौधों की जड़ों का फायदा है, कुछ के पत्तों में, कुछ के फल में, तो ये चीजें इनकी तरफ आए तो हेल्दी और लंबी जिंदगी पाएंगे। खुदा हाफिज़।